नमस्कार दोस्तों, आज हमारी थिंक एंड ग्रो रिच की जर्नी का 11वां दिन है एंड हम 11वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं एंड 11वां पड़ाव है सबकॉन्शियस माइंड। सो फ्रेंड्स, आवर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल। वट एवर वी डू एंड वट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन अचीव थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। फ्रेंड्स, देर इज अ पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, and we empower our subconscious mind through our five senses, and those five senses are eyes, ears, nose, tongue and skin. So friends, through these five senses hum apne conscious mind ko message bhejte hain and these messages are being stored. Ye message pure stored hote hain aur ye hamare subconscious mind ko command bhejte hain. So friends, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जो भी चीज लाइफ में चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारी डिजायर है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। बट इट कैन बी डन थ्रू सर्टेन प्रोसेसेस, वो सर्टेन स्टेप्स में करने होंगे। आप जो चाहते हैं आप उसको लिखिए पहले, फर्स्ट यू राइट इट डाउन एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज यू जस्ट रिपीट इट। आप इसको अफर्म कीजिए, डेली अफर्म कीजिए। एंड थर्ड थिंग, यू शुड हैव द क्रिएटिव इमेजिनेशन। आपको इमेजिन करना होगा एवरी डे, यू इमेजिन इट। एंड द फोर्थ स्टेप इज यू हैव टू थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव दिस थिंग। आपको ये अज्यूम करना है कि आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया। सो फ्रेंड्स, द फोर स्टेप्स आर, फर्स्ट यू राइट इट डाउन एंड सेकेंड इज You affirm it daily. आप इसको daily affirm कीजिए. And third is using our creative imagination. You have to train your mind, subconscious mind को ये command भेजना है that I want to do this thing. And fourth step and final step is that you have to think that you have already achieved this. आपने जो life में चाहा है वो आप already achieve कर चुके हैं. So friends, हम अपने subconscious mind को train कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए हमारे जो इमोशंस है, जो पावरफुल इमोशंस है, पॉजिटिव इमोशंस है, उसको इम्पावर करना होगा। हमारे नेगेटिव इमोशंस है उससे हमें दूर भागना होगा। जो पॉजिटिव इमोशंस है, द इमोशन ऑफ लव, इमोशन ऑफ सेक्स, इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, इमोशन ऑफ फीलिंग हैप्पी एंड इमोशनल होप, डिजायर, इमोशन ऑफ डिजायर। सो फ्रेंड्स, दिस आर पॉजिटिव इमोशंस, इसे हमें पावरफुल बनाना होगा। एंड निगेटिव इमोशंस आर इमोशन ऑफ फियर, इमोशन ऑफ जेलसी, इमोशन ऑफ हैट्रेडनेस एंड इमोशन ऑफ रिसेंटमेंट। आपको बार बार पछता रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इससे बचना पड़ेगा। आप लाइफ में कुछ भी करते हैं, आप उसको रिग्रेट नहीं करें, उससे रिग्रेट नहीं करें। अगर रिग्रेट कर करके हम अपने आप को लाइफ में पीछे खींच के ले जाते हैं। हमें उससे बाहर आना होगा, हमें हैप्पीनेस मोड में आना होगा, हमें इंथुजियाज्म के मोड में आना होगा। वी नीड टू बी हैप्पी एवरी टाइम, वट एवर मे बी द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन से हमें गाइडेड नहीं होना होगा। ऐसा जनरली देखा गया है कि हम इमोशन, हमें हमारे जो इमोशंस हो हमें गाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ देयर आर द पॉजिटिव इमोशंस, इट विल बी गाइडिंग यू टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन। सो फ्रेंड्स, एट ए टाइम दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन हमारे बॉडी में नहीं हो सकते हैं। इफ पॉजिटिव इमोशंस, योर माइंड इज ऑक्युपाइड विद द पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस कांट कम। ये नेगेटिव इमोशंस आप में आएंगे ही नहीं। और जैसे ही नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे, यू विल सी दैट यू आर अ अमेज पर्सन। आप चेंज हो चुके हैं एंड यू विल बी सीइंग दैट यू आर अचीविंग व्हाट यू वांट योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, हमारी जो पॉजिटिव इमोशंस है उसके लिस्ट में सबसे ऊपर माना जाता है डिजायर, इमोशन ऑफ डिजायर। फ्रेंड्स, आपके जो भी डिजायर है, आप कंटिन्यूसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड भेजिए थ्रू अफर्मेशन, थ्रू क्रिएटिव इमेजिनेशन, एंड सी यू विल सी द डिफरेंस। आप देखेंगे कि यू आर अचीविंग दोज थिंग्स। फ्रेंड्स, ये डिजायर के बारे में कहा जाता है कि हम जो भी सोचते हैं वो पॉसिबल है थ्रू पॉजिटिव रिपीटेड अफर्मेशन। आप अगर बार बार वो चीज को
अफर्म करेंगे, दिस इज पॉसिबल। फ्रेंड्स, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि जो भी हमारा माइंड सोचता है, डिजायर, अगर हमारे मन में कुछ डिजायर आया, इच्छा आई, वो हम अचीव कर सकते हैं। अचीव करने के लिए हमें किसी चीज की, हमें अपने ऊपर डाउट नहीं करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, देखा गया है कि हम जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं, हम अपने ऊपर डाउट करना शुरू करते हैं, और जैसे ही हम डाउट करना शुरू करते हैं, चीजें हमसे दूर जाती है। सो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि हमारा माइंड जो भी सोचता है, जो हमारे माइंड में अड़ सकता है, वो हम अचीव कर सकते हैं। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक व्यक्ति अगर वो चाहता है कि वो पूरे संसार का मालिक हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इफ दैट इज द डिजायर, यू विल बी जनरेटिंग दैट मच पावर। आप अपने अंदर उतनी पावर को जनरेट करेंगे, दैट मच एनर्जी विल बी देयर, एंड यू विल बी प्रोड्यूसिंग द मिरेकुलस रिजल्ट। आप मिरेकुलस रिजल्ट को प्रोड्यूस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप अपने डिजायर को इग्नाइट करके, अफर्म थ्रू पॉजिटिव अफर्मेशन, यू कैन अचीव दिस थिंग। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट्स अ वेरी पावरफुल माइंड। ये आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो अचीव करा के देगा। सो फ्रेंड्स, वी नीड टू ट्रेन इट। ये माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसे अच्छा या बुरा कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप जो इसे रिपीटेड देंगे, अच्छा चीज देना है, अच्छा देंगे तो आपको अच्छा बनाएगा, आप बुरा देंगे तो आपको बुरा बनाएगा। आपको ये देखना है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। सो फ्रेंड्स, और अच्छा या बुरा जिस चीज को भी हम दें, अच्छा बुरा हमारे पास जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होगा, एंड यू विल बी अचीविंग। सो फ्रेंड्स, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग से हम इसे इन्हांस कर सकते हैं, हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, एंड वी कैन अचीव एनीथिंग। आप लाइफ में जो भी सोच के रखे हैं, आपको मिलेगा, एंड योर माइंड विल मेक इट पॉसिबल। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसको पॉसिबल कराएगा। सो फ्रेंड्स, हम 11वें पड़ाव को पार कर चुके हैं। अब आने वाले वीक में हमारे जर्नी का लास्ट 3 पड़ाव बचे हुए हैं, 12th and 13th, 2 पड़ाव और बचे हुए हैं। इसके बाद हमारी जर्नी खत्म होगी। बस जर्नी खत्म होने के बाद मैं आपसे अपनी जो ड्रेडफुल डिजीज है, जो ड्रेडफुल डिजीज ह्यूमन बींग के लिए है, मैं उस पर बात करूंगा, एक वीडियो में उस पर बात करूंगा कि क्या आपको लाइफ में खींच के लेके आ रहा है। सो फ्रेंड्स, लाइफ में उस डिजीज से अगर आप बच गए, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। सो फ्रेंड्स, कंट्रोल योर माइंड एंड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।